सोमवार को नागपुर के रामेश्वरी भगवान नगर ग्राउंड में संत ताजुद्दीन बाबा का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य 163वां जश्न ए सालगिरह त्रिमूर्ति ताज मलंग बहुउद्देश्य सेवा संस्था द्वारा कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वाल रईस अनिश शाबरी ने कव्वाली सुनाकर समा बांधा, जिसका श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव और उत्साह से आनंद लिया। आपको बता दें कि 13 साल से सूरज सोमकुंवर उर्फ मलंग बाबा द्वारा कव्वाली संत ताजुद्दीन बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस बार प्रमुख अतिथि के रूप में यूएसए से प्रसिद्ध अमेरिकन रॉक स्टार पिंकी पारस उपस्थित थी। आयोजककर्ता मलंग बाबा ने कहा कि हमारे संस्था का इस कार्यक्रम के माध्यम से यही दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि सभी धर्मों को एकत्रित करना और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाईचारा का महत्व बताना। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा सलाम। मैं त्रिमूर्ति ताज मलंग फाउंडेशन का अध्यक्ष सूरज जी सोमकर उर्फ मलंग बाबा। हर साल की तरह हम बाबा ताज का जन्मदिन यहाँ मनाते हैं। सर्व धर्म एकता के हिसाब से यहाँ सभी मजहब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे को एकता को मिलाने के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हर साल। इस प्रोग्राम को आज 13 साल हो गए और ऊपर वाले की दुआ से 13 साल से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल ही रहा है। छोटे लेवल से इस प्रोग्राम को भी बड़े लेवल पर लेके गए और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। आज अमेरिका से हमारे दोस्त है रॉक स्टार पिंकी पारस, वो भी आए हैं, और जाने माने कव्वाल रईस अनिश शाबरी, वो भी आज हाजिर देने के लिए आए हैं। इतने सालों से प्रोग्राम आप ले रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को भी इसमें एक चेहरा दिखाई देता है, क्या भावना होती है लोगों की, जो लोग आपसे जुड़ते हैं किस तरह से उनका भावना होती है क्या? देखो, उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक तो हम 4 दिन महाप्रसाद रखते हैं और लोगों को जोड़ने का जो ये प्रोग्राम एक बहाना है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, है ना। यहाँ सभी किस्म के सभी मजहब के लोग आते हैं और सब आपस में भाईचारा दिखाते, प्यार दिखाते हैं। बस यही मेरा मकसद है कि सब एकता रहे, सब साथ में रहे, इसी भावना से प्रोग्राम को सजाया जाता है।